हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी बाय जीतू सर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का लेक्चर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे आज डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज मालूम होनी चाहिए, जो फोर्स लगता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो फोर्स कितना लगता है, F इक्वल टू क्यू ए। लेकिन फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। जो चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, माइनस का ई इक्वल टू ई। तो एक्सेलरेशन जो आता है इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड में वो आता है माइनस ई अपॉन एफ। जो नेगेटिव साइन है इसमें, वो नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट बच्चों? तो अब ये फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, F इक्वल टू कितना होता है, क्यू ई, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, क्यू ई लिखा रहता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का माइनस ई होता है, तो ए इक्वल टू माइनस ई ई अपॉन एम। और यहाँ जो नेगेटिव साइन है वो रिप्रेजेंट करता है मोशन इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेरिवेशन की। लेट एट एनी इंस्टेंट किसी भी समय पे, एट एनी इंस्टेंट जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज v इक्वल टू, आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू क्या होता है बच्चों, u प्लस at। अब यहां पर क्या होगा, v1 इक्वल टू u1 प्लस a tau 1। यहां पर जो tau होता है वो कहलाता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहलाता है बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम। तो v2 इक्वल टू u2 प्लस a tau 2, v3 इक्वल टू u3 प्लस a tau 3, अप टू vn इक्वल टू un प्लस a tau n। ये तो हमारी वेलोसिटी आ गई अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे n इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस at होता, तो v इक्वल टू u1 प्लस a tau 1, v2 इक्वल टू u2 प्लस a tau 2, एंड v3 इक्वल टू u3 प्लस a tau 3। और n पार्टिकल्स के लिए क्या हो गया, an प्लस a tau n, ये n पार्टिकल्स की हमारी वेलोसिटी आ गई। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता था स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, जो हमने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा था वो था, इट इज द एवरेज वेलोसिटी इन विच इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ये एवरेज वेलोसिटी होती थी सारे इलेक्ट्रॉन की, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जब हम उसमें क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें इसका क्या निकालना होगा, एवरेज, क्या निकालना होगा, तो एवरेज निकालने के लिए, और जो एवरेज हमें बताएगा वो क्या बताएगा, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एवरेज निकालेंगे सबका, v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn अपॉन n, राइट बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वैल्यू पुट करनी है हमको, केवल v1 की वैल्यू कितनी थी, u1 प्लस a tau 1, v2 की u2 प्लस a tau 2, v3 की u3 प्लस ए टाउ 3, अप टू vn प्लस ए टाउ n, un प्लस ए टाउ n, u1 u2 u3 अप टू कहां तक रिपीट हो रहा है, n तक, कहां तक रिपीट हो रहा है बच्चों, तो vd इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू कहां था, un अपॉन में क्या, n प्लस a टाउ 1 a टाउ 2 a tau 3 up to a tau n। तो a कॉमन ले लेना, tau n कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, tau हमारा कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, n टाइम्स तक, अपॉन में क्या रख दिया उसके भी n। मैंने आपको बोला था जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली क्या हो जाते हैं, ओरिएंट, पर रैंडमली ओरिएंट होने की वजह से उनकी थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज होता है वो क्या हो जाता है, शून्य, जीरो, क्या हो जाता है, जीरो। तो BD इक्वल टू, इसकी जगह तो हमने जीरो रख दिया, राइट, सी एस एन से एन कैंसिल हो गया। एक्सेलरेशन अभी अभी हमने ऊपर निकाला था, माइनस ई कैपिटल ई टाउ
ई कैपिटल ई अपॉन एम इनटू में क्या है हमारा टाउ। तो जो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये तो हमारा जीरो हो गया, एक्सेलरेशन एन से एन कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ई अपॉन एम इनटू में क्या था हमारा टाउ। तो वी डी इक्वल टू क्या आ गया हमारा माइनस ई टाउ अपॉन एम। ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 बोर्ड के लिए, क्योंकि काफी बार ये पूछा गया है और ये डेरिवेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि होम एग्जाम्स वगैरह काफी बार आ चुका है और आता है। इसमें जो ई होता है वो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इनटू 10 की पावर माइनस 90। ई जो होती है यहाँ पे होती है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। टाउ हमने आपको बता दिया, टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, और एम जो होता है वो मास को रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो पढ़ते रहिए बच्चों और जल्दी से इस डेरिवेशन को फटाफट याद कीजिए। बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन मतलब रिलैक्स करना। तो जो रिलैक्स करने का टाइम होता है इलेक्ट्रॉन का, उसी को हम क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये वो टाइम पीरियड होता है जब तक दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा नहीं जाते, जब तक दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा नहीं जाते उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। कैसे? पहले इधर देखेंगे फिर डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे ये कंडक्टर है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था और यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पर जाकर टकराएगा। अब इसके टकराने के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं बच्चों रिलैक्सेशन टाइम। इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन दो इलेक्ट्रॉन के टकराने के बीच का, दो इलेक्ट्रॉन के टकराने के बीच का जो समय होता है उसे हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। अब इसका ऑर्डर कितना होता है, एक फिक्स ऑर्डर होता है इसका, इट्स ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों 10^-14 सेकेंड। इसका ऑर्डर होता है 10^-14 सेकेंड एंड द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है 10^-4 मीटर पर सेकेंड। जो ऑर्डर होता है रिलैक्सेशन टाइम का वो होता है 10^-14 सेकेंड, और जो ऑर्डर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो होता है 10^-4 मीटर पर सेकेंड। अब जो वैल्यू आ रही है इसकी वो तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी लार्ज करंट मिलता है। मैंने आपको कल ऑर्डर बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि जो ऑर्डर होता थर्मल वेलोसिटी का वो होता 10^5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो ऑर्डर होता ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो 10^-4 मीटर पर सेकेंड होता है। तो जो मैग्नीट्यूड है हमें देखना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है इसका, बहुत छोटा, 1/10^4 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो छोटा है लेकिन फिर भी लार्ज करंट मिलता है। जो लार्ज करंट मिलता है वो क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, उसका रीजन बताता हूं। जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो मैग्नीट्यूड होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो बहुत कम है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल बट इवन देन लार्ज करंट इज ऑब्टेन। व्हाई? ये रीजन पूछ सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का या ऑर्डर है वो बहुत कम है लेकिन फिर भी लार्ज करंट हमें कैसे मिलता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना पर यूनिट वॉल्यूम में वो बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में बहुत ज्यादा, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम इज वेरी लार्ज। और वो कितने होते हैं 10^29
पर मीटर क्यूब, 10^29 पर मीटर क्यूब। दोबारा सुनेंगे इस पॉइंट को, जो मैग्नीट्यूड होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी लार्ज करंट हमें मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में वो बहुत ज़्यादा होते हैं, 10^29। तो इसको अगर कंपेयर किया जाए इसी वजह से हमारा करंट भी क्या हो जाता है, ज़्यादा। तो चलिए दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं, जो ऑर्डर बताया था हमने थर्मल वेलोसिटी का वो होता 10^5 मीटर पर सेकेंड, रिलैक्सेशन टाइम का 10^-14 सेकेंड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर 10^-4 मीटर पर सेकेंड, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम कितना, 10^29 पर मीटर क्यूब। हमने दो चीज और बताई थी, पहला था दो इलेक्ट्रॉन के बीच का पाथ जब बैटरी कनेक्ट ना हो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, और जब बैटरी कनेक्ट होती थी तो कैसा हो जाता है, कर्व, कैसा हो जाता है, कर्व्ड पाथ, राइट बच्चों। ओके, तो नेक्स्ट अब जो टॉपिक आ रहा है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि वो रिलेशन बताता है हमें करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या लेना है, एक कंडक्टर जिसकी लेंथ हम लेंगे L। इस कंडक्टर की लेंथ कितनी ले ली हमने बच्चों, L। इसे हमने बैटरी से कनेक्ट कर देना है, ये बैटरी ले ली हमने, ज्यादा टर्मिनल होते हैं तो बैटरी आप बोल दो, हाँ देखी है सर, बड़े बड़े ये पॉजिटिव और ये नहीं, ये ए पॉइंट लिया हमने, ये बी पॉइंट लिया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, किससे मूव करते हैं बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो हमने क्या कंसीडर करना है, सबसे पहले कंसीडर अ कंडक्टर हैविंग, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, ऑफ लेंथ एल इन विच इलेक्ट्रॉन मूव विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी, और उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी किससे, बी डी। एक कंडक्टर ले लेना जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, एल, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी। अब लेट करना, लेट कैपिटल एन बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल एन, ये वर्ड ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कैपिटल एन बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों। तो हमने पहले क्या किया, एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर की लेंथ हमने कितनी ले ली, एल, कंसीडर कर लिया उसकी लेंथ कितनी, एल, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, बी डी। कैपिटल एन हमने माना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और स्मॉल एन क्या, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किसमें, पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने लिए हैं, देयरफॉर अब हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो n इक्वल टू कैपिटल n, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता होता है, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ। तो n इक्वल टू n a l, n इक्वल टू n a l, ये हमारा क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद क्या करना, तो देखिए देयरफॉर टोटल चार्ज ड्यू टू ऑल द इलेक्ट्रॉन, अब जो टोटल चार्ज होगा
क्यू इक्वल टू कितना होता है बच्चों, एन ई। क्यू इक्वल टू कितना होता है, एन ई। तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए, एन ए एल, और इनटू में क्या हो गया हमारा ए, इनटू में क्या हो गया ए। देयरफॉर आई बी द करंट, आई बी द करंट फ्लो, आई हमने माना करंट फ्लो कर रहा सारे इलेक्ट्रॉन्स के कारण, आई बी द करंट फ्लो ड्यू टू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। तो आई इक्वल टू बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो आई इक्वल टू क्यू की जगह क्या आ जाएगा, एन ए एल ई अपॉन कितना टी। यहां तक किसी को दिक्कत, हमने क्या किया था, एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ कितनी है एल, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे ट्रिप वेलोसिटी वी डी। अब कैपिटल एन जो थे वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, और स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। तो कैपिटल एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन ए एल। अब मेरे को निकालना था चार्ज, तो जो टोटल चार्ज होता है क्यू इक्वल टू होता हमारा एन ई, क्यू इक्वल टू होता बच्चों एन ई। तो एन की वैल्यू हमारी आई थी एन ए एल, इनटू में क्या था ई, तो एन ए एल ई। अब आई हमने क्या माना था, करंट जो फ्लो हो रहा था सारे इलेक्ट्रॉन के कारण, तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो आई इक्वल टू एन ए एल ई अपॉन कितना टी। अब इसके बाद लेट पी बी द टाइम, P be the time taken by the electron to cross the conductor, to cross the conductor. T क्या होता है, वो time होता है जो कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है किसको क्रॉस करने के लिए, कंडक्टर, किसको क्रॉस करने के लिए कंडक्टर। That is to move from negative terminal to पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल, यानी नेगेटिव टर्मिनल से कहां तक उसे भाग के जाना है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ओके, तो टाइम की फॉर्म, टाइम की वैल्यू कितनी होगी, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी होगी वो कितनी ट्रेवल करी होगी, एल। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी होगी, और स्पीड कितनी थी खुद की उसकी, v। तो t इक्वल टू क्या आ गया, l अपॉन v। उठा के इस वैल्यू को t की जगह पुट कर देना है, तो i इक्वल टू n a l e अपॉन l, और ऊपर क्या चला जाएगा v। तो l से, तो i इक्वल टू फॉर्मूला आ जाता है हमारा n e a v d, i इक्वल टू n e a v d। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दोबारा सुनेंगे इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले छोटे छोटे यूज हुए हैं। सबसे पहले एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ थी एल, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी। कैपिटल एन क्या था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और स्मॉल एन थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इनटू लेंथ। तो कैपिटल एन इक्वल टू एन ए एल। अब उसके बाद चार्ज निकालना था कि जो चार्ज होगा सारे इलेक्ट्रॉन पे कितना, क्यू इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू हमने पुट करी एन ए एल इनटू आई, हमने क्या माना जो करंट फ्लो हो रहा था सारे इलेक्ट्रॉन के कारण, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू ऊपर से पुट करी एन ए एल ई अपॉन टी, हमने माना जो टी था वो टी टाइम लगा कंडक्टर को, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को, कि वो क्रॉस कर सके नेगेटिव टर्मिनल से कम हो सके वो पॉजिटिव। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टी की जगह यहां पुट किया हमने एल, वीडियो पर गए एल से एल कैंसिल, फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, आई इक्वल टू एन ई ए वी। क्लियर बच्चों, ओके। थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, तो बच्चों इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमने जो रिलेशन पढ़ा था, आई का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, करंट का रिलेशन किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, आई इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। बट हमें पता होता वी डी का फॉर्मूला कितना आया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ई ई टाउ अपॉन कितना था
एम ई टाउ अपॉन एम, यहां पुट करेंगे वी डी की जगह, तो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह ई ई टाउ अपॉन कितना बच्चों एम अपॉन कितना एम, एम आई राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स का फॉर्मूला होता था ई इक्वल टू बी अपॉन डी, लेकिन जो हमने कंडक्टर की लेंथ ली थी उस कंडक्टर की लेंथ कितनी थी एल, तो यहां डिस्टेंस जो लेंगे वो हम डी की जगह क्या लेंगे एल, क्या लेंगे एल, तो ई की जगह आप क्या पुट करना होगा बी अपॉन एल। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स का फॉर्मूला होता था इक्वल टू बी अपॉन डी, तो D की जगह हमने क्या पुट करना है L, क्योंकि हमने कंडक्टर की डिस्टेंस कितनी ली थी L, तो चलिए पुट करते हैं इसमें I इक्वल टू N E स्क्वायर, E इनटू E क्या हो गया E स्क्वायर A, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह B अपॉन L इनटू टाउ अपॉन कितना M, राइट बच्चों। सारे टर्म्स को ऊपर लेके जाओ और I को नीचे ले आना V के, देखिए एक एक करके लेके जा रहे हैं m ऊपर m अपॉन n e स्क्वायर और tau को भी नीचे ले आए, am I right? L ऊपर आएगा a नीचे आएगा इक्वल टू v अपॉन कितना i। अब ओम्स लॉ से r किसके बराबर होता था v अपॉन i, तो v अपॉन i की जगह हम क्या पुट कर देंगे r, क्या पुट कर देंगे R, R equal to L upon A, और ये फॉर्मूला मैंने आपको एक दूसरा फॉर्मूला बताया था रेजिस्टिविटी का, कि रेजिस्टिविटी का दूसरा फॉर्मूला होता है M upon N E square tau, तो M upon N E square tau ये किसकी वैल्यू हो गई रो की, किसकी वैल्यू हो गई तो R equal to कितना आ गया रो L upon A, ये थ्योरेटिकल प्रूफ कहलाता है किसका ओम्स लॉ, किसका कहलाएगा बच्चों ओम्स लॉ का, राइट ओके। नेक्स्ट अब बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ये रेसिप्रोकल होता है किसका रेजिस्टिविटी का, अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं रेजिस्टिविटी का तो वो क्या कहलाएगा कंडक्टिविटी, क्या कहलाएगा कंडक्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, the reciprocal of resistivity is called conductivity, जो reciprocal हो जाएगा resistivity का उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों conductivity, the reciprocal of resistivity is called conductivity, बच्चों conductivity को represent करते हैं sigma से, किससे represent करते हैं sigma, और reciprocal किसका है resistivity का, reciprocal किसका है resistivity, तो अब अगर इसकी unit की बात की जाए तो बच्चों हमने रो की यूनिट जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी ओम मीटर, ऊपर लेके जाओगे क्या हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम को हम क्या बोलते थे मो मीटर इनवर्स, और या मो को हम बोलते थे साइमन मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स ये इसकी यूनिट होगी, क्लियर। क्या होता है कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होता है किसका रेजिस्टिविटी का, रेसिप्रोकल किसका रेजिस्टिविटी का, यूनिट क्या होती है ओम मीटर, कितनी होती है ओम मीटर, ऊपर लेके गए ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं हम मो, और साइमन भी बोलते हैं तो साइमन मीटर। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोबिलिटी, अब उसके बारे में पढ़ने वाले कि मोबिलिटी होता क्या है, मोबिलिटी मोबिलिटी एक्चुअली में ये रेशियो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का किसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो किसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, उसे हम क्या बोलेंगे मोबिलिटी, क्या बोलेंगे मोबिलिटी, तो ये रेशियो है इट इज द रेशियो ऑफ किसका बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रेशियो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का किसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं मोबिलिटी, क्या बोलते हैं मोबिलिटी, इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। इसको रिप्रेजेंट जो किया जाता है वो किया जाता है म्यू से, रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों म्यू से। अब रेशियो किस किस का था, एक तो ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और दूसरा किसके साथ था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमारी वी डी
और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई हमारी ई, राइट। अब इसकी यूनिट की बात की जाए एसआई यूनिट, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, अगर ये मीटर ऊपर लेके जाओगे तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड और वोल्ट, यानी यूनिट क्या बन जाएगी मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स, राइट। दूसरी यूनिट की बात करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तो यूनिट मीटर पर सेकंड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और होती थी न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, तो यूनिट अगर कूलम को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा कूलम मीटर अपॉन न्यूटन सेकंड, यानी यूनिट हो गई कूलम मीटर पर न्यूटन सेकंड, कूलम मीटर पर न्यूटन सेकंड। आप ऐसे भी ड्राइव कर सकते हो इसको, राइट। उसके बाद अब इसमें फॉर्मूले के अलग फॉर्मूले और हम बता रहे हैं, आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है बच्चों, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ई टाउ अपॉन कितना माइनस, इसलिए नहीं लगाया हमने क्योंकि माइनस साइन ऑफ केवल और केवल किसको रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटेड अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन का कोई यूज नहीं है इसलिए माइनस साइन हम यूज नहीं करते, राइट। ओके, अब फॉर्म में क्या आ रहा था ई, तो ई से ई कैंसिल, ये दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया ई टाउ अपॉन एन, ये भी किसका फॉर्मूला है मोबिलिटी, किसका फॉर्मूला बच्चों मोबिलिटी। अगर बेटा सेमीकंडक्टर की बात करी जाए तो सेमीकंडक्टर में जो करंट मिलता है टोटल करंट, वो किसकी वजह से होता है सम ऑफ करंट ड्यू टू किसका इलेक्ट्रॉन एंड सम ऑफ करंट ड्यू टू होल। सेमीकंडक्टर्स में जो टोटल करंट हमें मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, एक तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक क्या होते हैं होल, तो जितना करंट इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे और जितना करंट होल प्रोड्यूस करेंगे उसका क्या होता है सम, उसका क्या होता है सम। जो कंडक्टर होते हैं नॉर्मली उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं फ्री आयन, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं फ्री आयन, लेकिन अगर सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में दो चीजें होती है, एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दूसरा क्या होता है होल, तो जो करंट मिलता है एक तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी मिलता है और दूसरा मोशन ऑफ होल। अब आई इक्वल टू हमने क्या पढ़ा टोटल करंट कितना हो गया आई ई प्लस आई एच, तो जो आई होता है वो बराबर किसके होता है एन ई ए वीडी, आई इक्वल टू एन ई ए वीडी, तो वैल्यू पुट करते हैं आई इक्वल टू आई ई की जगह क्या रखेंगे एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ई लिख देना बेस में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ई इंटू ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए VD drift velocity किसकी लेंगे यहाँ पे electrons की, किसकी लेंगे electron, plus NH number of holes, charge तो same ही होता दोनों का A, और VD की जगह क्या लिखोगे VH, क्योंकि drift velocity किसकी होगी यहाँ पे holes की, किसकी होगी holes, right। दूसरा point है कि current जो है वो किस पर depend करता है, एक तो magnitude of charge और दूसरा nature of material, करंट किस पे डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ मटेरियल, किस पे डिपेंड नहीं करता एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हमने यूनिट के स्टार्टिंग में ही बताया था करंट किस पे डिपेंड नहीं करता एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किस पे डिपेंड नहीं करता एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक चीज और बताई थी जो रेजिस्टिविटी थी वो किस किस पे डिपेंड करती थी, एक तो टेम्परेचर नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल किस पे नहीं करती थी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पे नहीं करती थी। दोबारा सुनेंगे सेमीकंडक्टर में जो टोटल करंट मिलता है एक तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोशन ऑफ होल, तो I इक्वल टू आई ई प्लस आई एच, आई इक्वल टू कितना होता है एनी ए वीडी, तो वीडी की जगह चेंज करना और एन की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी, वीडी की जगह क्या हो जाएगा वीई, ये वेलोसिटी हो गई किसकी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर होल्स के लिए होल्स के लिए क्या हो जाएगा बी एच और नंबर ऑफ होल्स के लिए एन एच, ये हमारा क्या आ जाएगा इसमें टोटल करंट। अगर इसमें आप कॉमन भी निकालना चाहो ई और ए कॉमन आ सकता है तो कॉमन निकाल के भी आप लिख सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है ऐसी लिखा रहने दे। सेकंड पॉइंट था कि करंट जो है वो किस पर डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ मटेरियल, किस पे नहीं करता एरिया ऑफ क्रॉस, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती थी एंड नेचर ऑफ मटेरियल, किस पे नहीं करती लेंथ पे एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट,
ओके बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे. किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. रिलैक्सेशन टाइम बच्चों किस पे डिपेंड कर रहा है? कंडक्टर के टेम्परेचर पे. ये इंक्रीज होता है रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा. क्यों होगा अभी बताएंगे. रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस एंड हेंस रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस. एंड हेंस रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों? इंक्रीजेस. तो बच्चों जो गौर करने वाली चीजें हैं वो दो तीन चीजें इसमें. रिलैक्सेशन टाइम एक तो किस पर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे. किस पर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर. जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया है रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया हमारा? कम. और रेजिस्टिविटी क्या हो गई है? इंक्रीज. तो रिलैक्सेशन टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? टाउ. किससे रिप्रेजेंट करते थे? तो टेम्परेचर से ये कैसे वेरी कर रहा है? इनवर्सली. कैसे वेरी कर रहा है? लेकिन रेजिस्टिविटी टेम्परेचर से कैसे वेरी कर रहा है? डायरेक्टली. क्या कैसे वेरी कर रहा है? तो क्या मैं इसको कंपेयर करके दोनों को टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ρ लिख सकता हूं? यानी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज. रेजिस्टिविटी इंक्रीज तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज. और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी तो रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज. क्लियर? दोबारा सुनिए. रिलैक्सेशन टाइम जो वो हमारा किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे. कंडक्टर के टेम्परेचर पे. अगर मैंने कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है? कम. रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है? और रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज. क्यों होती है? देखिए जैसे एक कंडक्टर का ये नॉर्मली पड़ा हुआ है नॉर्मल टेम्परेचर पे. इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स है. इलेक्ट्रॉन्स अभी शांति से बढ़ गया, अपने आप मूव कर रहे. तो रिलैक्सेशन टाइम मैंने मान लिया पहले कितने सेकंड का लग रहा है? ये 5 सेकंड. कितने सेकंड का लग रहा है? और इसको लगा 4 सेकंड. अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है. काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस. काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है? इंक्रीज. जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये तेजी से भागते हैं. अब हो सकता है 3 सेकंड लग रहा हो, तेजी से भागेंगे. ये यहाँ भाग के गया, हो सकता है यहाँ 2 सेकंड लग रहा हो. तो इसका मतलब है अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसको गर्म कर दिया मैंने, नीचे से हीट दे दी, गर्म कर दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई? इंक्रीज. और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है? फिर डिक्रीज. रिलैक्सेशन टाइम क्या हो रहा है? डिक्रीज. क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में क्या आ जाती है? एनर्जी. इलेक्ट्रॉन्स में क्या आ जाती है? और जब इलेक्ट्रॉन्स में क्या आ जाए? एनर्जी. तो वो बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं. और जब वो तेजी से मूव करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम उनका क्या हो जाता है? कम. क्या हो जाता है? कम. इसीलिए रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर. क्लियर? ओके बेटा, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए. रेजिस्टिविटी अगर मैं बात करूं कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है? बहुत लो. क्या होती है? बहुत लो. तभी कंडक्टिविटी उसकी ज्यादा होती है. अगर रेजिस्टिविटी बात करूं इंसुलेटर की, उसकी होती है बहुत हाई. रेजिस्टिविटी इंसुलेटर की क्या होती है? बहुत हाई. लेकिन अगर सेमीकंडक्टर की बात करूं तो उसकी लाई करती है बीच में, कंडक्टर्स के और इंसुलेटर्स के. कंडक्टर्स के और इंसुलेटर. तो जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी इज वेरी लो. रेजिस्टिविटी इज वेरी लो फॉर कंडक्टर्स, वेरी हाई फॉर इंसुलेटर्स एंड लाई बिटवीन कंडक्टर्स एंड फॉर सेमी कंडक्टर. अगर सेमी कंडक्टर की बात करें
लाई बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स राइट। जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंडक्टर्स की बहुत कम होती है, कंडक्टर्स की बहुत कम होती है, इंसुलेटर्स की बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो किसके बीच में लाई करती है, कंडक्टर्स के और इंसुलेटर, कंडक्टर के और इंसुलेटर, क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों जे से, रिप्रेजेंट करते हैं जे से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, करंट डेंसिटी होता क्या। एक कंडक्टर है मेरे पास, जितना भी करंट फ्लो कर जाए, जितना भी करंट फ्लो कर जाए पर यूनिट एरिया में, किसमें, पर यूनिट एरिया, जितना भी करंट फ्लो कर जाए पर यूनिट एरिया में, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा करंट पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, करंट पे क्या होना चाहिए, जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो ये है, करंट हमारा ये हो जा रहा है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। क्या होता है करंट डेंसिटी, जितना भी करंट फ्लो करे, जितना भी एक कंडक्टर है उस कंडक्टर में जितना भी करंट फ्लो करे किसमें, पर यूनिट एरिया, किसमें, पर यूनिट, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा उसके फ्लो पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस तरीके से जैसे बोल रही हो, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और करंट का फ्लो आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, तभी वो करंट डेंसिटी कहलाएगा। क्या होता है बच्चों, जितना भी करंट फ्लो कर जाए पर यूनिट एरिया में, जिस पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, उसे हम क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी, क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं हम। इट इज डिफाइंड एज द करंट फ्लो इन अ कंडक्टर इन पर यूनिट एरिया, इन पर यूनिट एरिया, इन विच, जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा क्या रहना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, इन विच एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए करंट के फ्लो पे, परपेंडिकुलर होना चाहिए करंट के फ्लो पे, उसे हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, करंट डेंसिटी। जितना भी करंट पर यूनिट एरिया में फ्लो करता है, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता, परपेंडिकुलर होता फ्लो ऑफ करंट पे, उसे हम क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। क्या बोलेंगे बच्चों, करंट डेंसिटी। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे और ऐसा ही यूनिट देखेंगे, तो इसका फॉर्मूला जो होता है, जे इक्वल टू करंट फ्लोइंग इन किसमें, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग इन किसमें, पर यूनिट एरिया। ओके, अगर इसकी ऐसा ही यूनिट की अगर हम बात करते हैं, तो करंट की यूनिट तो सबको पता है क्या होती है, एम्पियर, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो गई बच्चों, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्या हो गई, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है करंट डेंसिटी, जितना भी करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया में, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो पे हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर, तभी वो कहलाएगा करंट डेंसिटी। J equal to I upon A, ऐसा यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बच्चों, ये वेक्टर। और अगर इसका दूसरा फॉर्मूला हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला कैसे बनेगा, J equal to हमारा आया I upon A, तो J equal to, I equal to हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, N E A V D अपॉन में कितना है, ए, तो ए से ए कैंसिल, जे इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, एन ई बी डी। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारा करंट डेंसिटी का, राइट।